राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज 30 जुलाई है और कल 31 जुलाई दिन बुधवार का है और कल कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वर्ष 2024 में 31 जुलाई दिन बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण सुंदर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल पर, जो कि आपका भी चैनल है, अब ये हमारा बाद में, अब पहले आपका है, इस पर आपको धार्मिक, घरेलू पूजा पाठ और धार्मिक जो तिथियां होती हैं हमारे तीज त्यौहार की, पूजा की विधियां, पूजन की सामग्री, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, हर महीने आने वाले तीज त्यौहार और बहुत ही अच्छी अच्छी धार्मिक कहानियां सुनने को, देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो का प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2024 में कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। आप कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा के समय कामिका एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में कामिका एकादशी व्रत की कथा भी सुनाएंगे। इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई बुधवार को है। सर्वार्थ सिद्धि योग में बहुत ही महत्वपूर्ण कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। श्रावण मास की पहली एकादशी है ये और भगवान नारायण के योग निद्रा में जाने के बाद की पहली एकादशी का व्रत है ये। यहाँ हम आपका थोड़ा सा संदेह भी दूर कर दें, बहुत सारे लोग यह भी मन में भ्रम हो जाता है कभी कभी किसी के, कि जब भगवान योग निद्रा में गए हैं तो पूजा पाठ में कुछ बदलाव तो नहीं होगा, कहीं कुछ परिवर्तन तो नहीं करना है। तो भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप अभी तक एकादशी का व्रत करते आए हैं, पूजा करते आए हैं, उसी विधि से, उसी प्रकार से, उसी भक्ति और श्रद्धा के साथ आपको कामिका एकादशी का व्रत भी करना है। और कामिका एकादशी का व्रत हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। उस व्यक्ति को जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है जो कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं। यदि आप कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा के समय कामिका एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इससे आपको व्रत का महत्व और उससे मिलने वाला जो पूर्ण फल है वह प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। और फिर से एक बार आपसे कहते हैं कि यदि आपको कामिका एकादशी व्रत के पूजन का महत्व, पूजन की विधि, पूजन व्रत के नियम या फिर पारण का समय, पारण का महत्व, पारण का नियम जानना हो तो आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर सुन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए उनकी जय बोलते, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने जिस तरह अन्य एकादशी व्रत के विषय में बताया है उसी तरह से आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी की कथा और महत्व के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ जो कुछ इस प्रकार से है।
ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि सावन कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद कोई कुयोनि नहीं प्राप्त होती, वह पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। कथा के अनुसार एक गांव में एक ठाकुर निवास करते थे। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। एक दिन वो घर से निकले तो उसका किसी ब्राह्मण से वाद विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने पाप और अपराध से मुक्ति के लिए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने उसे अनुमति नहीं दी। उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उस हत्या के कारण उसे आत्मग्लानी थी। एक दिन वह एक मुनि से मिला। उसने पूरी घटना बताई और ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर उस मुनि ने कहा, तुमको श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी जिसे कहा जाता है उसका व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे पाप भी मिट जाएंगे। जब श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि आई तो उस ठाकुर ने मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। रात के समय में वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। उस रात स्वप्न में उसे भगवान नारायण के दर्शन हुए और उन्होंने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दे दी, क्योंकि यह पाप धोखे में अनजाने में हुआ था। क्रोध में आकर उसने एक ब्राह्मण की हत्या की थी और ब्राह्मण की हत्या बहुत ही बड़ा पाप होती है, तो भगवान नारायण ने उसको क्षमा करके इस पाप से मुक्ति दे दी। कामिका एकादशी के अवसर पर जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी भगवान नारायण की कामिका एकादशी व्रत की कथा। श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो एकादशी के व्रत के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए और किसी को भी शेविंग भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप व्रत रख रहे हो या आप व्रत ना भी रख रहे हो तो भी आपको, जैसे कि हेयर कट कराना, पार्लर जाना, नेल्स कट करना, इस तरीके के जो भी ये कार्य होते हैं ये वर्जित होते हैं, नहीं किए जाते। और चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। चावल का प्रयोग एकादशी व्रत के पारण में अवश्य ही किया जाता है। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रख के हम भगवान की भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा है भी नहीं कि हम एक दिन क्या किसी बात का पालन नहीं कर सकते, एक दिन के लिए लहसुन प्याज हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 3 दिन तक ये व्रत चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ये व्रत रहता है, इसके नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि को आपको व्रत में कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ता है, जैसे कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग भोजन में नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो ज़मीन पर शयन कीजिएगा, नेल्स वगैरह कट नहीं करने हैं, तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिए, और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इस तरीके से दशमी तिथि से प्रारंभ करके आप एकादशी को व्रत करेंगे और द्वादशी तिथि को आपको व्रत का पारण करना होता है। पारण कैसे करना चाहिए, कई बार हमने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया है, फिर से बताते हैं। पारण का समय आपको मिल जाएगा वैसे 5:30 से, मतलब 1 अगस्त को, 1 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। पारण के लिए सात्विक भोजन बनाइए, बिना लहसुन प्याज वाला। चावल आपको अवश्य ही बनाने हैं और चावल बनाइए, तुलसी पत्र रखिए, कुछ मीठा ज़रूर रखिए। ऐसा करने के बाद आप भगवान को भोग लगाइए
और ब्राह्मण के निमित्त एक थाली भोजन आपको अवश्य ही दान करना है। इस तरीके से आप करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे, आपका व्रत पूर्ण होता है। तो यह थी छोटी सी कथा कार्मिका एकादशी व्रत की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की। राधे राधे, हर हर महादेव।